हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूंगी कि मैंने पूरे दिन क्या क्या किया। अगर आपको मेरा फुल डे रूटीन पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरी दिन की शुरुआत हो गई है मेरे छोटे से मनी प्लांट के साथ। मुझे इनके साथ, पौधों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। अब हमारी मॉर्निंग टी बनकर तैयार है, अब हम चाय पी लेते हैं। एंड फाइव लास्ट, ओके। फाइव बिस्किट, आठ बिस्किट मेरे, इसकी बिस्कुट की डोज है 8 बिस्किट रोज के, 5 अभी खा रही है और 3 शाम को। अच्छा है, जवाब तो दो मेरे बेटे। और डुगो एकदम से मत खाओ, एक एक करके खा, सब साफ मैदान, सेकंड ही नहीं लगते बेटा तेरे को। इधर देखो, ले बैठो बैठो, खत्म हो गए बिस्किट, कहाँ गए डुगू, देखो कहाँ गए। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ वेजिटेबल ओट्स, तो चलिए अब हम बना लेते हैं। वेजिटेबल ओट्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। एक गाजर ली है, इसको भी चॉपर में बारीक कर ली है। और कुछ मटर के दाने लिए हैं और यहाँ पर हमने क्यूकर का ओट्स लिया है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं वेजिटेबल ओट्स। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, उसमें एक छोटी चम्मच घी डाला है। अब हमारा घी मेल्ट हो रहा है, घी मेल्ट हो गया है, इसमें हम जीरा डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसको हल्का सा सोते कर लेंगे। अब इसमें हम गाजर डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। मटर डाल देंगे, ढक देंगे इसको 2 मिनट के लिए। अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। अब हमारी सब्जियां कुक हो गई है, अब इसमें हम 2-3 टेबलस्पून ओट्स डाल देंगे। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ओट्स ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ओट्स थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून और डाल दूंगी। कुल मिला के 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ओट्स डालना है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। कलर के लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे ताकि हमारा ओट्स का कलर अच्छा दिखने में लगे। अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। लीजिए, बनकर तैयार हो गया है हमारा हेल्दी एंड टेस्टी वेजिटेबल ओट्स।
ये मैंने दो जनों के लिए 4 टेबलस्पून ओट्स डाला था। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बिना तेल मसालों की रेसिपी है। अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे बाद में मिलेंगे। आज मैं लंच में बना रही हूँ इडली सांभर। तो सांभर बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक छोटी कटोरी तुअर की दाल को भिगोकर रखा था, ये धोकर साफ कर ली है। थोड़े से मटर, 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च, 1 गाजर और 1 छोटी लौकी, ये वेजिटेबल को हमने कट करके रखा है। अब मैं यहाँ पर एक कुकर लूंगी, इसमें सारी चीजें ऐड कर दूंगी। सबसे पहले हम इसमें दाल ऐड करेंगे, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, नमक, अब इसमें हल्दी डाल देंगे। कुकर को हमने पानी डालकर अच्छी तरह सारी सब्जियां डालकर गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें ढक्कन लगाकर 3-4 सीटी आने तक पका लेंगे ताकि हमारी सारी सब्जियां कुक हो जाएगी। हम इडली बनाने के लिए यहाँ पर आशीर्वाद की सूजी ली है। अब इसमें हम 1 कटोरी दही ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसको हम 15-20 मिनट के लिए भिगोकर रख देंगे। सूजी अच्छी तरह फूल गई है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच मीठा सोडा ऐड कर देंगे, जो खाने वाला सोडा है, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इडली की ट्रे को अच्छी तरह से ऑयल डालकर ग्रीस कर लेंगे। दोनों इडली की ट्रे को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इडली का सूजी का बैटर 1-1 चम्मच भरकर इसमें डाल देंगे और 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम दाल को देख लेते हैं। देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से कुक हो गई है। मैं देख लेती हूँ, सब्जियाँ हमारी सब गल गई हैं। अब सब्जियों को मैं मैश कर लूँगी, क्योंकि हमारे घर पे ये खड़ी खड़ी सब्जियाँ कोई नहीं खाता है, सबको बिल्कुल मिक्स सब्जी ही चाहिए। मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, नहीं तो बच्चे सब्जियाँ अलग कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है सब्जी डालने का। तो मैं इसे पूरी मैश कर देती हूँ ताकि सबके सब्जियां भी खा सकें सब। अब हम दाल को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी। अब मैं तड़के में कड़ी पत्ता, हींग, राई और जीरा डाल दूंगी। इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा पानी। अब इसमें हम दाल ट्रांसफर कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। नमक और हल्दी हमने इसमें पहले ही ऐड कर दिया था। अब इसमें मैं इमली जो मैंने भिगो कर रखी थी उसका पल्प भी ऐड कर दूंगी। दाल हमारी खट्टी खट्टी बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें हम बॉईल आने देंगे। दाल में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं थोड़ा सांभर मसाला ऐड कर दूंगी, 1 चम्मच सांभर मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। दाल गोल हो गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। ये बनकर तैयार हो गया है हमारा सांभर।
लीजिए तैयार हो गया है हमारा लंच। लंच में है इडली सांभर और सलाद। तो आइए आप भी आइए हमारे साथ बैठिए लंच खाने के लिए। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ लंच खा लीजिए।